रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश होने की वजह से और पैटर्न के जायकवाड़ी प्रोजेक्ट से पानी के अखराज की वजह से शहर नांदेड़ का विष्णुपुरी प्रोजेक्ट भर चुका है, जिसकी वजह से हर एक दो दिन को प्रोजेक्ट से पानी का अखराज अमल में आ रहा है। कल भी दो दरवाजे खोले गए थे, जिसके बाद गोदावरी नदी भर गई। इसलिए किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए नांदेड़ के गोदावरी जुरक्षक दल के जवान नदी किनारे खड़े हुए। इस तालुक से गोदावरी जुरक्षक दल के जिम्मेदार सैयद नूर ने बताया कि म्यूनसिपल कारपोरेशन के जिम्मेदारान खास तौर पर मिर्जा रईस बेग साहब की हिदायत पर गोदावरी जुरक्षक दल के जवान 24 घंटे गोदावरी नदी के किनारे गश्त कर रहे हैं, ताकि कोई हादसा न हो। सैयद नूर ने अवाम से खास तौर पर बच्चों से अपील की कि वो नदी के किनारे ना जाए। इस दौरान कल रात की मूसलधार बारिश की वजह से कब्रिस्तान की दीवार गिर गई, लेकिन किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। महकुमा मौसमियात और जिला इंतजामिया का कहना है कि नांदेड़ समेत मराठवाड़े में आइंदा चंद दिनों तक घन गरज के साथ मूसलधार बारिश हो सकती है, इसलिए अवाम को चौकस रहना चाहिए। कल विष्णुपुरी के दो गेट ओपन करे थे रात में, सवेरे 7 बजे करे थे, बाद में भी रात में करे 7 बजे, अभी रात में 12 बजे एक गेट बंद कर दिए, एक गेट अभी ओपन ही है। अभी जायकवाड़ी का पानी चालू है आना, और यहाँ हमारे जीव गोदावरी जीव रक्षा दल के लोग पूरे घाट के ऊपर लगाए वाले सब देख रहे, कभी एक्सीडेंट कहीं नहीं होना, किसकी भी दुर्घटना नहीं होना बोल के हमारे गोदावरी जीव रक्षक दल की तरफ से वागड़ा शहर महानगर पालिका तरफ पे हमारे जीव रक्षक माननीय बेग साहब उनके आदेश के पालन पे हमारे जीव रक्षक पूरे 24 तास घाटों में पेट्रोलिंग करते हैं। अच्छा, ऐसे जोरदार बारिश होने की वजह से कब्रिस्तान की दीवार गिरी, इसके ऊपर क्या बोलना चाहिए? देखो, कब्रिस्तान की दीवार तो बहुत पुरानी दीवार थी और उसको सपोर्ट नहीं होने की वजह से ये दीवार पानी से ढसर के नीचे गिर गई। अच्छा, ये कब गिरी दीवार? ये रात में तकरीबन 12-12:30 बजे गिरी है। अच्छा, कुछ जानी मान नुकसान? नहीं, जानी मानी कोई नुकसान नहीं हुआ, बारिश के होने की वजह से वो पानी भर गया और वो नीचे गिर गए। दूसरे लोगों का कहना है कि लोग उसके आसपास रहते उस टाइम? हाँ, उस टाइम में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि लोग आते जाते, ट्रैफिक आती जाती, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ऊपर वाले का शुक्र अदा करते कि भाई यहाँ पे कोई घटना नहीं हुई। काम कर रहे कब्रिस्तान का, तो अच्छा पाए से करो, मजबूत करो, पकावट काम करो, जाके जो एक्सीडेंट होने से बचे। पानी के लिए आवाम से गुजारिश है कि पानी के किनारे कोई ना जाए। छोटे बच्चे आजकल गल तांत लेके जाते किनारे को बैठ जा रहे हैं, ब्रिज के ऊपर लोग ठहरते हैं। लॉकडाउन का कोई पालन नहीं, कुछ नहीं, लोग इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पानी के साथ इंजॉय नहीं करना, डेंजरस जोन है ये। इस जोन में जाने के बाद कभी भी खतरा हो सकता। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रूफ राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।